सदियों से नदियों का इस्तेमाल माल और जन परिवहन के लिए किया जाता रहा है। आज भी नदियों के जरिए भारी सामानों की ढुलाई सड़क या रेल के मुकाबले सस्ती और कम प्रदूषण फैलाने वाली होती है। एक सदी पहले तक गंगा नदी भी एक व्यस्त जलमार्ग थी। रेलवेज के विकास के साथ इसका इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वर्तमान सरकार ने नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक नया फैसला लिया है कि हमारे देश की जो पानी से भरी हुई नदियां हैं, उसमें यातायात करके कम खर्चे में माल ढोने का पूरा अभियान चले और उसी के तहत बनारस से हल्दिया तक कार्गो ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था विकसित हो रही है। हाईवे है, एयरवेज है, रेलवेज है, अब आपके सामने है वॉटरवे। माननीय प्रधानमंत्री के स्वप्न को सागरमाला एवं जलमार्ग विकास द्वारा साकार करने का प्रयास तेजी से जारी है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग एक का विकास इसी प्रयास का हिस्सा है। हालांकि तीर्थराज प्रयाग से हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर के हिस्से को सन 1986 में ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, लेकिन इसके विकास की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। परंतु वर्तमान सरकार के आने के बाद इस जलमार्ग के विकास के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत पहले चरण में राष्ट्रीय जलमार्ग एक के वाराणसी से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर हिस्से को विश्व बैंक के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 5369 करोड़ रुपए है। इसके तहत जलमार्ग सुधार जैसे नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाना, नौवहन साधनों का विकास, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण, तटबंध सुरक्षा संबंधी कार्य तथा एलएनजी जलयानों की आवाजाही से जुड़ी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को 1720 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश के प्रोटोकॉल मार्ग से बांग्लादेश से तो जोड़ेगा ही, साथ ही इन राज्यों को 882 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग दो के जरिए उत्तर पूर्वी भारत से भी जोड़ देगा। जलमार्ग एक के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं ने आकार लेना शुरू कर दिया है। वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल निर्माण के अलग अलग चरणों में है। साथ ही गाजीपुर और कालूघाट में इंटर मॉडल टर्मिनल बनाए जाएंगे। फरक्का में एक नए नेविगेशन लॉक को भी निर्मित किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर माल और जन परिवहन के लिए एक सस्ता और बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। संबंधित राज्यों में व्यापार और रोजगार के नए अवसरों के सृजन होने के साथ परंपरागत ईंधन की कम खपत के कारण पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राज्य झारखंड में मल्टी मॉडल टर्मिनल के माध्यम से विकास और रोजगार की दिशा में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण में 467.9 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। 2019 में पूरा होने के बाद इस टर्मिनल की क्षमता 24 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इस टर्मिनल में दो जलयानों की बर्थिंग की जगह, स्टॉकयार्ड, कन्वेयर बेल्ट, बार्ज लोडर समेत सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये टर्मिनल झारखंड को बंगाल की खाड़ी के माध्यम से दुनिया से जोड़ देगा। यहाँ से राजमहल, चुपरबीता और हुर्रा खानों का कोयला, स्टोन चिप और निर्माण सामग्रियों जैसे कच्चे माल को बाहर भेजा जा सकेगा। साथ ही खाद, सीमेंट और चीनी भी अब छोटे मालवाहक पोतों से भी राज्य से बाहर जा सकेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर मल्टी मॉडल टर्मिनल विकास की नई आशा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के 1.5 लाख नए अवसर पैदा होंगे। बेहतर नदी परिवहन से निवेश बढ़ना तय है, जो कि अंततः राज्य के विकास को एक नया आयाम देगा। साहिबगंज की अनूठी रो-रो व्यवस्था लगभग 120 किलोमीटर की सड़क यात्रा कम करके सड़क पर दबाव कम करने के साथ कार्बन फुटप्रिंट घटाने का काम भी कर रही है। इस तरह की रो-रो सेवा
4 अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएगी। सन 2022 में पूरी तरह बहाल हो जाने के बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत की सांस्कृतिक पहचान गंगा नदी के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा।